हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम जा रहे शॉर्ट। सो गाइस, अपने संजीवी वहां से रेडी हो रखा है, यहां से मैं, लेट्स गो, कम ऑन मैन। गाइस पहले तो जाएंगे हम पेट्रोल पंप, थोड़ा पेट्रोल भरवा लेते हैं। 3 डंडा है गाइस, मैं इसमें जब भी 3 डंडा आ जाता है ना पेट्रोल में, तो मैं 500 का भराता ही भराता हूँ। और ये 3 डंडा तो आपका यार अभी राइड करने आने के बाद ही मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। तो चलो ये सिस्टर से भरा लेते हैं। अरे हाँ माता जी, आगे आ जाइए, आप इनका भर दो भाई पहले, ठीक है, इनका भर दो पहले। उधर इतना बताया बताया बताया, अकेला मत करो, सारे ये जितने काम करने वाले सबके फोन से लेके करो ना, है ना। इसको कैसे मिले, तो बच्चा सा है ये, तो बच्चा सा है ये, किसको कैसे मिले, मिल गया काम। कितने साल का है तू, कितने साल के हो? 17 बता, 18 भी पूरा नहीं है बेटा, लेबर चार्ज लग जाएगा। ओके ओके ओके, हवा भर दो, हवा चेक कर लेते हैं गाइस एक बार। ब्रदर अभी अच्छे से कंट्रोल में है, कंट्रोल में चला रहा है ये, तो वही है यार, चीज़ें अगर घर में हो ना तो इंसान सीख ही जाता है, तो आराम से चला रहा है बढ़िया करके। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में इसको मतलब सेकंड गियर के बाद ये उठा नहीं रहा था, बट नाउ इजीली, वो मसूरी भी राइड कर लिया इसने, तो आस्ते आस्ते इसका वो खुल रहा है। तो वंस यू गेट रेडी ना, तो उसके बाद हम सीधा ज्वाइन करेंगे आपका ले लद्दाख या वट एवर यार मनाली। बहुत सारे ट्रिप्स का प्लानिंग चल रहा है, देखते हैं अभी कौन सा वाला बनेगा हमारे साथ। बट नाउ इट इज टू मच ट्रैफिक, और वो रहा सैम, पता नहीं क्या ले रहा है उधर, 1 घंटा हो गया उधर खड़ा हुआ। और अभी जो चल रहा है वो तो यही है। और ये देखिए, आपको संडे सेल भी यहाँ पे दिखाई देंगे, गाय माता भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और संडे सेल में आपको बच्चों के कपड़े नज़र आ रहे हैं, कंबल भी है। गाइस भाग्य के ना, भाग्य के। और ये संजी, तो देखो कभी कभी ये देखो वो बन जाता है ये ट्रैफिक पुलिस, हाथ से इशारा कर रहा है आप, पहले आप जाओ। ये लगाए चश्मा, ये मास्क को थोड़ा ऊपर किया, और ये देखिए, ये देखिए, और देखिए हाथ का एक्शन देखिए उसका, और ये देखिए। अबे क्या दुकान खरीद रहा था? अरे यार तो फ्रेश थी यार, तो फिर तेले मैंने मने मिक्स ही दी दे। ओके ठीक है, चल जल्दी चलो, सफेद वाला चाहिए था लेकिन। ओके गाइस, अब फिर से चलते हैं राइड पे, क्या पता आते समय भराना देख ले। ओ पुलिस साहब मेरे पीछे आ रहा होगा, क्योंकि आगे बाजार से ही कटवाऊंगा, क्योंकि यहाँ से तो मे भी हो सकता टू मच ट्रैफिक। तो यस ओके, हाँ फ्लाईओवर वाला यार, कम से कम एम्बुलेंस को तो जगह दे दो थोड़ा यार। भाई साहब हार्ले में अपने सैम भैया बड़े मजे से जा रहे हैं। सुसाइड मांग रहा है वो। साइड दे दो यार उसे, बताओ यार कोई, सबको जिसको भी सबको जल्दी निकलने की यार। वो एम्बुलेंस वाले को ना घुसेड़ देना चाहिए गाड़ी जहां भी। अबे यार एम्बुलेंस वाले को जगह भी नहीं दे रहे यार, पूरे ट्रैफिक, सबको जल्दी है जाने, सबको जल्दी है जाने की यार, एटलीस्ट थोड़ा सा जगह दे दो ना यार, अपने पास इतना जगह कवर करके रखा है इसको। देखो
रेड लाइट में भी इसको जाना है। ये देखो इस वाले भाई साहब को देखो, टाइम केयर, रेड लाइट में भी निकलना है। यहाँ तो कुछ संभल के चलना पड़ता है। हाँ नहीं, संभल के तो चलना ठीक है, एटलीस्ट एम्बुलेंस को तो जाने दो। अभी देख हरी बत्ती हो जाएगी ना, इन लोग देखो गोली बन जाएंगे सारे। चल 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 चल, अब हो गया। ये देखो बल्लीपुर से क्या प्रेमनगर? हाँ चलो ठीक है। कहाँ घूम रहा है सिस्टर, कहाँ घूम रही है बताओ यार, कम ऑन ब्रो। नहीं कम ऑन नहीं बोल सकता, बिकॉज ये पता नहीं कहाँ से टर्न हो जाए, फिर मेरा कम ऑन हो जाएगा। ओ त्रिनेत्र की सिस्टर, बाल में कर रखी है कलर। बिस्तारे बिस्तारे केठो, ओए त्रिनेत्र की सिस्टर। नहीं मैं कह रहा त्रिनेत्र की सिस्टर, बाल वैसी करा रखे उसने, त्रिनेत्र की बहन, वो देखो बाल वैसी करा रखे उसने। अबे इसको सुनाई नहीं, नो प्रॉब्लम ब्रो, व्लॉग में सुन लेना। हाँ वो आप बताओ, मुझे नहीं पता है कौन सी जगह हो। एम्बुलेंस एम्बुलेंस गिव 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 गिव। अच्छा उधर से आ रहा है यार, मैं पीछे से देख रहा हूँ। Don't underestimate power of Xena and Ram. ये रॉकेट है बाबा, बाबू राव रॉकेट है। ये रूट एकदम सीधा है हार्ले के साथ Xena 100। राइट साइड जाना है बोल के, सैम्बो राइट साइड। ओके भाई साहब, एंट्री करवाओ अपने हार्ले जाने मन को, एंट्री हो जाएगा अब बढ़िया सा। गड़ 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 गड़। यार ये देखिए सरप्राइज, आई मीन हार्ले यार। सुगैशी समय रहा हमारी बच्ची, पूरे घर में 14 भाई में पहली बार कोई बच्ची ने जन्म लिया है जिसका नाम है समय रहा। राइट समय रहा, हाई कर दे, हाई कर दे, चल हाई कर दे। हाय YouTube फैमिली, बंदे 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 बंदे। इसको ना थोड़ा वो लग रहा है कि मतलब क्या हो रहा है, ये एंकर दोनों एक अलग सर में क्या कर रहा है। इतने दिन बाद देख रही है ना ये हम लोग को, तो थोड़ा ये सरप्राइज है कि ये लोग कौन है, पहचान नहीं रही। समय रहा हाई करता दे। अच्छा बाय तो कर दे। इसको डॉली ने बिगाड़ दिया है। चलो गाइस अभी दिखाते हैं आपको हार्ले। सो गाइस सैम का सी ऑफ हो चुका है, लेट्स गो अब नाउ होम की तरफ। सो गाइस बैक टू होम, संजीत का सब हो गया है वहाँ पे, सी ऑफ वे ऑफ जो भी है। अभी हम मेहू वाली रोड पे है और अब मैं घर जा रहा हूँ। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, प्रेस द बेल आइकन, शेयर करो। आप जितने सब्सक्राइबर मेरे पास है उतना तो कम से कम एटलीस्ट व्यूज आना चाहिए। आप लोगों का प्यार ही है जो आगे बढ़ाएगा। पहाड़ी हूँ, कम से कम पहाड़ी लोग तो सपोर्ट करो यार।
बाकी मेरे भाई सैम को भी सपोर्ट करो यार, ये थोड़ा अच्छा कर रहा है, ही जस्ट जॉइन मी। हाँ चलो देखो गजब पटाक तो चलता है ऐसा। अरे भाई नहीं करो ऐसा। हाँ नहीं नहीं भाई, आजकल कैमरा सब जगह लगा है ब्रदर। भाई साहब को व्हीली चाहिए, मैं खुद ये चीज़ नहीं करता हूँ, दूसरों को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ भाई, बिकॉज ये मैं थोड़ा अच्छा व्लॉग टाइप से चल रहा हूँ तो। खुद ये चीज़ रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को, बिकॉज मेन थिंग इज़ दैट कि लोग को तो अच्छा लगता है व्हीली देखने में, लेकिन हमें जो फॉलो कर रहा है इंस्टा में या यूट्यूब में सब्सक्राइब करके बैठा है, जो बच्चे देख रहे हैं उनके दिमाग में भी इसी चीज़ का, मैं ये खुद भी नहीं करता हूँ भाई, तुम लोग को भी नहीं बोलता करने के लिए, इट्स अ बैड थिंग भाई, इसको इज्जत से चलाओ। मैंने काफ़ी व्लॉगर देखा है जो ये चीज़ें करते हैं एंड आफ्टर दैट दे आर जस्ट डूइंग कि मतलब अब करना है बोल के, ये अच्छा चीज़ नहीं है यार। इफ़ यू गाइज आर डूइंग, तो आप अगर ब्लॉगर हो या बाइक को प्यार करते हो, एटलीस्ट यू हैव टू शो सम रिस्पेक्ट बाइक के लिए। लेकिन ये लोग क्या है, व्हीली मार के गाड़ी की ऐसी की तैसी बजा देंगे। देखो व्हीली मारना इज़ नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, इफ़ यू आर अ स्टंट मैन, और अगर आप लोग को उसके पैसे मिल रहे और आपका काम है वो व्हीली मार के या सर्कस करके आप लोग को पैसा कमाना है, इफ़ योर वर्क इज़ दैट, बस बाय करो हाई करो। अगर आपका वो काम है तो आपको अच्छे मिलेंगे, इफ़ यू आर नॉट डूइंग तो भाई वो पैसा पता नहीं तुम लोग कहाँ से लेके आके बाइक खरीद के उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मेरे हिसाब से तो डिसरिस्पेक्ट है, अभी दूसरों औरों के हिसाब से क्या है आई डोंट नो, बिकॉज अगर व्हीली कर रहे हो तो गाड़ी में जोर पड़ता है, ठीक है, उसका जो बाइक जब नीचे आता है गॉड इट्स डैम क्रेजी, वो दम सा आवाज आता है, मेरे को तो बहुत वैसा लगता है। एंड सम पीपल्स, हाँ हाँ सब पीपलों को ऐसा दिखता है कि मतलब, गाइज मैं तो यही बोलता हूँ भाई व्हीली मारो, सैम चैलेंज। तो गाइस व्हीली के लिए मैं बोल रहा हूँ, जितने मेरे सब्सक्राइबर है इंस्टा में फॉलो, भाई ये चीज़ नहीं करना, ये गलत चीज़ है, गंदी चीज़ है व्हीली मारना, ये शो ऑफ करना, या ऐसा करके तो आप औरों को भी गलत शिक्षा दे रहे हो। अगर सारे लोग व्हीली करने लग गए ना तो इंडिया में सारा एक्सीडेंट ही चाहेगा फिर, क्योंकि बच्चे वही देख रहे हैं, उनको अच्छी चीज़ें बताओ यार, गाड़ी राइड करना इट्स नॉट बैड, आप लॉन्ग लॉन्ग टूर मारो लेकिन व्हीली करके नहीं। अभी ब्लॉगर है जो अच्छा बाइक लेके घूम रहे हैं वो कभी नहीं, बहुत रेयर होंगे जो करेंगे यार, अदरवाइज कोई रिस्क नहीं लेगा। ये अमेरिका तो है नहीं जो डॉलर्स में आ जाएंगे गाड़ी यार, यहाँ पे तो हमको टैक्स भी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, उसके बाद ये गाड़ी नसीब होता है, और ऐसे गाड़ी को थोड़ी ना हम इजीली आप वो कर देंगे। चलो मैम आप ही चल लो, मैम जाओ आप, मैं ये कह रहा हूँ मुझे पता नहीं वो प्राइस क्या चल रहा है, आई थिंक 1400 या 1500 अराउंड, इस पे तो नहीं, उसमें ऑलरेडी रहता है वो नहीं, वो नहीं परफ्यूम की तरह रहता है बॉटल, उसके ऊपर स्प्रे रहता लगा हुआ, पूरा सेट ही खरीदो, एक ही रहेगा, डब्बा डुब्बा नहीं लेना पड़ेगा, पूरे हुए
इंजन के लागे के, सिर्फ इंजन के लिए वो। हाँ और पता इंजन ऐसा मक्खन काला बना देगा ना तो सरप्राइज हो जाएगा उसको लगाने के बाद। हाँ हाँ इसके लिए ही हो वो। सेम यहाँ से चले यार आगे से यू-टर्न। अब यू-टर्न लेते हैं। भित्र छ मान्छे सर्भिसिङ को लागि छ। चलो मैं वहाँ खड़ा कर देता हूँ इसे। ये दूसरी कंपनी को हम था दूसरा कंपनी है कावासाकी। हाँ ले रहा हूँ मैं। बताओ गाइस कावासाकी को मना कर दिया हार्ले वालों ने। मेरी बाइक जाएगी बोल रहे। हाँ क्योंकि तू हार्ले का मेंबर है। चल अंदर चल मैं आ रहा हूँ। हाँ तो बोल बड़ा भाई आ रहा है अभी मैं बात करता हूँ तू चल लेके जा। नहीं नहीं हारने के लिए ठीक है बट आपने मेरा गाड़ी को आज रिजेक्ट कर दिया। कावासाकी वाले नाराज हो जाएंगे आपसे। कावासाकी अंदर पूछ लो ना मैनेजर साहब। वाह वो उनको तो जानता हूँ मैं। अरे यार मेरी गाड़ी नहीं लानी थी भैया यार। कैसे हो? एक नई गाड़ी आई है देखो अब ये यही आएगी सर्विसिंग सर्विसिंग जो भी है इसका। सर वो जो आप बोल रहे थे ना वो इंजन क्लीनर ब्राइटनर वो है अभी आपके पास? और सर एक इसको सर्विसिंग तो सोच ले कि नॉक सेकंड गियर में लॉकिंग कर रहा है ये। लॉकिंग क्या आ रही है सेकंड गियर में जब हम वो ले रहे हैं ना ठीक है सर एक बार जन्नत जो करा ले ना इसका ब्राइटनर ब्राइटनर इंजन ब्राइटनर कर मैं देगा सर ठीक है सर। एक चीज़ और वो मेरी रेड वाली हार्ले भी लाके छोड़ रहा हूँ मैं छोड़ सर उसको पूरा मेंटेन कर दो जैसा भी जैसा पहले था ना वैसी बना दो ठीक है सर। ठीक है भैया 48 का जो गद्दी है स्टॉक आगे पीछे दोनों वो कितने का हार्ले का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है यार इंजन के लिए इंजन ब्राइटनर। ये सर कितने के पड़ रहे? 1792। लेकिन कसम से बता रहा हूँ मैंने यूज किया हुआ ना एक बार मारेगा ना कम से कम 1 मंथ तक उसकी कालापन नहीं जाएगा। स्टॉक शीट कितने की आती है 48? पीछे वाले तो कितने की? पीछे वाली महंगी आती है 12,000 समथिंग है ना। हार्ले भाई इन लोग का ना काम बहुत एकदम परफेक्ट रहता है। मेरे को मेरी याद आ गया पहले का याद आ गया मेरे को। मैं बढ़िया सर आप कैसे हो? मैं रिकैप हो गया इधर दोबारा दूसरे हार्ले के साथ 883 आयरन। हाँ जान थोड़ी ना छोड़ूंगा आप लोगों का। वो बंदा ऐसा है वो बाहर काम नहीं करा। हाँ तभी तो छोटा भी नेट बोर्ड भी निकला होगा। किस नाम से थी गाड़ी?
अरे वो पावा जी के नाम से। अच्छा हर्ष पावा कुछ ऐसे ही नाम है पावा जी। अरे डिसकंटिन्यू हो गया, मैं आया था अंदर पूछने। हाँ जी सर, मैंने वो मैम भी थी तो रोज शिवा है नहीं अंदर आया तो था मेरे साथ, आया नहीं था लास्ट टाइम ले रहे थे ना, नाइट सर में डिस्काउंट चल रहा था 5 लाख का। किसमें? ये जो नाइट सर का आपने आवाज किसी नहीं है वो अलग सर में वो अलग है ना, इंजन अलग है, मेरे को ये पसंद था भैया बहुत बढ़िया है। इसका पे करो फटाफट चलते। रोडस्टर का भैया सीट तो नहीं होगा सर, सीट ऑर्डर मंगवाना सब कुछ ऑर्डर पे आता है। हाँ मैंने इसको ये चीज पहले क्लियर किया था, ऐसा नहीं है आओ ले जाओ वाला, सब ऑर्डर में आएगा, सब ऑर्डर पे आता है, 90% चीजें ऑर्डर पे ही आती है। अभी इसके एलईडी वो भी आर्क है, डीआरएल वाले भी आर्क है, ये पूरा साइड में वाइट होता है, बीच में बदलता है। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, मैं तो बढ़िया हूँ यार। मैं अभी तो हार्ले से हट गया हूँ, अब तो ये चला रहा हूँ कावासाकी 900। लेकिन वो है मेरे पास 7 स्ट्रीट अभी भी, हाँ उसको तो अभी मैंने कितना हो गया 3-4 महीना नहीं चलाया, तो वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ लाऊंगा ना उसको जैसा पहले था ना वैसी बना दो बस। अवेलेबल हुई कंपनी फिर तो ज्यादा 90 दिन 15 दिन भी आ जाता है, बट अगर अवेलेबल नहीं हुई तो थोड़ा ऑफर कर जाता है, बट मिनिमम 90 डेज लेके चलता है। तो आप अगर मतलब जैसे चेक करके वो कर सकते हैं, मतलब तो भी मेरे कॉन्टेक्ट की ये 90 दिन लगेगी अवेलेबल है, 10 मिनट दीजिएगा देख लो कहीं पड़ी है तो 10 मिनट दीजिए आप। गाइज ये है वो हार्ले डेविडसन 440X, ये है अभी जो आया है गाड़ी, सी आप देख सकते हो कलेक्शन कितने, 1, 2, 3 ये सारे ऑर्डर वाले होंगे। गाड़ी तो काफ़ी अच्छी है यार, मतलब थोड़ा बड़ा है गाड़ी, मैं सोचा 400 से थोड़ा कमज़ोर होगा, बट अच्छा चेन में है ये चेन में है, इसमें बेल्ट नहीं है, इसमें चेन है, मतलब इसका मतलब गाड़ी में काफ़ी चेंजेस हुआ है हार्ले भाई। हाँ मस्त गाड़ी है भाई। सो गाइस सैम का हो गया है काम हार्ले में, पॉलिश के लिए बोला था, मैंने पॉलिश दिलवा दिए इसे। हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच। इतने सारों के बीच में अपना एक कावासाकी हार्ले हमेशा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।